अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को क्लास पोस्टिस के बारे में बताया था और उसे कुछ प्रैक्टिस के बारे में बताई थी और मैंने कहा था कि हम इसी क्लासेस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आज हम उसकी क्लासेस को डिस्कस करेंगे। चले हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले इसकी जो क्लास होती है वो है सब क्लास सार्कोपटेट जाए। इसकी जो प्रैक्टिस थी वो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं इसको दोबारा रिवाइज करती हूँ शॉर्ट सा, कि इसके अंदर जो है बोनी स्केलेटन प्रेजेंट होता है, इसका जो ओपर कुलम है उसको कवर किया होता है गिलोपनिक ने, ठीक है, जो इसका न्यूमेटिक सैक्स है वो फंक्शन कर लेते हैं फॉर्म के इसके लंग्स और स्विमलेटर। ये करके जो थी ये शार्क्स वगैरह में जो हमने पिछले पढ़ा था गोंडोचिसिस उसमें प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। द फर्स्ट फॉसिल ऑफ द बोनीफिशेस वायर फॉर्म फ्रॉम लेट सिलोनियन डिपॉजिट्स अप्रॉक्सीमेटली 405 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सर इसकी क्लास जो है वो सर्कोप्टेरा जाए के बारे में, ओलो फिन फिश के बारे में। दे हैव पेयर फिन विद मस्कुलर लोब्स, द न्यूमेटिक सैक फंक्शन एज लंग्स। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं मतलब इसके जो पेयर फिन्स मतलब फिन जो है ना वो अटैच होंगे किसकी मस्कुलर लोब से, मतलब इसकी जो सी मसल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे ना उसके साथ उसकी कौन अटैच होगी पेयर फिन्स, और ठीक है। और इसके जो न्यूमेटिक सैक्स हैं वो किस फंक्शन परफॉर्म करेंगे एज अ लंग्स। एग्जाम्पल जो है इसकी क्या है लंग फिश और सीलोकैंस। जो लंग फिशेज हैं उसका क्या है द एयर सैक्स इन द फिशेज इज चेंज इन टू द लंग्स देयर फोर दे आर कॉल्ड लंग फिशेज। अब इसके नेम से हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या डेवलप हो गया है लंग्स, जो ये रिस्पायर करेगी किसे रिस्पायर करेगी अपने लंग्स के साथ। ओनली 3 जनरा सर्वाइव टूडे, जो मेन चीज़ है उसको डिस्कस करने के लिए क्या क्या है इसके अंदर जो सिर्फ 3 जनरा हैं वो सर्वाइव करते हैं आजकल के दौर में। दे आल आर प्रेजेंट इन द रीजन वेयर सीजनल ड्रॉप्स आर कॉमन। ये जो है ये उन रीजन में प्रेजेंट है जहाँ पे मतलब कभी जो है वो बिल्कुल दरिया वगैरह का पानी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल खुश खाली हो जाती है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो ये क्या करती हैं अपने जो लंग्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर लेती हैं, अपने जो सैक्स वगैरह होते हैं उनको ट्रांसफर करती है लंग्स में और इंस्पायर करती है लंग्स, जिसकी वजह से इनकी डेथ जो है वो नहीं होती। दिस विश यूज लंग्स टू ब्रीथ इन स्टेगनेट एंड फ्रेश वाटर लेक्स एनिमल। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, दिस विशेज आर नियोसेटेटस, इट लिव्स इन फ्रेश वाटर ऑफ क्वींस आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया, इट सर्वाइव्स इन स्टैग्नेंट वाटर बाय ब्रीथिंग इन एयर, ठीक है। दे बट दे नॉर्मली यूज़ गिल्स, मतलब ये सिर्फ तब यूज़ करती हैं लंग्स जब जो है बिल्कुल ही मतलब जो है वो एयर जो है मतलब पानी वगैरह खत्म हो जाए, लेकिन नॉर्मली जो है ये रिस्पायर करती है किससे अपने गिल्स से। दे कैन नॉट विदस्टैंड टोटली ड्राई कंडीशन, मतलब जब टोटली ड्राई कंडीशन हो जाए तो ये उसके नहीं बर्दाश्त कर सकती और जो है उसकी डेथ हो जाती है। अगला जो है प्रोटोबैट्रस, इसका दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स इन साउथ ट्रॉपिकल अफ्रीका। और लिपिडोसिरन, दे फाउंड इन ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका, दे कैन सर्वाइव व्हेन रिवर्स एंड लेक्स आर ड्राई, दे फॉर्म द बोरो इनटू द मड, दे कीप इन एयर पाथवे। मतलब ये कब कह रही है, दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका, दे कैन सर्वाइव व्हेन रिवर्स एंड लेक, मतलब हमने ऊपर जो दो स्पीशीज पढ़ी हमने पढ़ा ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल ड्राई इन्वायरमेंट को मतलब वो रिलेट नहीं कर सकते, उनको विदस्टैंड नहीं कर सकते, उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन ये जो है लिपिडोसिरन ये इसको विदस्टैंड कर सकती है और जो है वो सर्वाइव कर सकती अपने लंग्स के थ्रू। दे फॉर्म बोरो इन टू द मड, दे कीप मतलब अपने आप को जो है मड में बिल्कुल अंदर लेके जाकर भी सर्वाइव कर सकती है। दे कीप एन एयर पाथवे, मतलब जब वो अपने आप को मड में छुपा लेगी, लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि रेत के ऊपर कुछ कुछ बबल्स आ रहे होते हैं, तो वो क्या होता है उसके अंदर जो कोई एनिमल होता है जो क्या कर रहा होता है रिस्पायर कर रहा होता है। दे ओपन दिस पाथवे बाय बबलिंग एयर, मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या होती है बबल्स वगैरह प्रेजेंट होती है ताकि जो है वो पता लग रहा होता है कि इसके अंदर कोई एनिमल है जो रिस्पायर कर रहा है। स्मॉल ओपनिंग इन द अर्थ एंड प्रोड्यूस आफ्टर द सब्सटेंट ड्राई,